तो अभी हमने इसके ऊपर डाल दिया है कागज, तो इस तरह। तो कस्टमर देख के इसको बहुत खुश होते हैं और घंटों घंटों यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक सभी ठीक होंगे। तो आज है 18 अक्टूबर। तो आज कम से कम मैं 5 दिन के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ खेत में। मतलब पूरा काम अब मेरे हाथ में ही है, क्योंकि बीज वगैरह जो भी पापा मेरे को बजा देते हैं और बीज वगैरह सारा मैं बीजता हूँ। तो अभी चलो आपको खेत का जो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ। सर्दी में खेत और भी आगे आगे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देख सकते हो खेत में हरियाली बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो ये नया बीज और हमने बीज दिया है। अभी आगे आगे गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन वगैरह बीजे जा रहे हैं, वो आगे आगे आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये देखो गोभी के क्यारे कितने अच्छे लग रहे हैं। जब कस्टमर आता है ये खेत और एक सार जो क्यारे बने हुए हैं उनको देख के बहुत ही खुश हो जाता है। सर्दी में सबसे ज़्यादा लगती है गोभी। तो अभी भी यहाँ पे गोभी की बिजाई चल रही है। इसके ऊपर मैंने रेत वगैरह जो भी अभी इसमें डालना है वो डल रहा है। इसके पहले मैंने बीज वगैरह अभी छट्टा मारा है। तो एक बात और, अगर आपने कुछ भी घर पे लगाना हो या अपने खेत में लगाना हो तो उसमें डाया ज़रूर ऐड करना। और दूसरी बात कि अगर हम मैं बोल रहा हूँ डाया ऐड करने के लिए, कई लोग करते हैं जैसे पौधा है ना, पौधे के बिल्कुल जड़ों मतलब जड़ में डाल देते हैं उसको, वो गलत होता है। यूरिया और डाया वगैरह उसको जड़ से कम एक किट दूर रखनी चाहिए, और वो भी 4-5 दाने एक पौधे के लिए। लोग ऐसे ही मतलब पूरी हाथ पूरा ऐसे भर के उसको डाल देते हैं। उसके साथ क्या होता है, जड़ों में एक सार चली जाती है और उन जड़ों को सुखा देती है वो। तो अभी हमने इसके ऊपर डाल दिया है कागज, तो इस तरह। तो कस्टमर देख के इसको बहुत खुश होते हैं और घंटों घंटों यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देख सकते हो आप, आपको भी देखने में अभी व्यू बहुत अच्छा बना हुआ है इसका। जो भी इसमें आ रहा है इसको देख के खुश होता है, तो बोलता है कि आपकी ये हट देख के दिल खुश हो जाता है बहुत ही। और बोल रहे हैं कि हमें भी घर के ऊपर ऐसे वाला डिज़ाइन चाहिए, मतलब पाइप वगैरह होंगे उनको ऐसी बनाने की सोच रहे हैं वो भी। तो ये इसके ऊपर मैंने मतलब पड़ा हुआ था अंदर राखी वाला, तो इस पर मैंने लगा दिया। तो अभी पंजाब में मक्की और धान जिसको हम चावल कहते हैं, तो उसकी कटाई वगैरह चल रही है। मक्की हमारे गांव वालों ने तो सारी काट के उसके दाने वगैरह निकाल के बेच भी दिए हैं। तो जो धान है वो अभी कटिंग उसकी स्टार्ट हुई है। तो ये ऊपर वाला हमने सेक्शन साफ़ किया है, यहाँ पे सर्दी वाली गोभी वगैरह सब लगेंगे। बाबा ने बैंगन वगैरह लगा रखे हैं इस पर। तो ये रहा धान, इस साइड होगी अब इसकी कटाई, उस साइड कंबाइन चल रही है। तो ये रहे धान, धान के छट्टे इसमें होते हैं, इसमें चावल होते हैं। सूख के आवाज़ आ रही है इसकी, देखो ये सूखे हुए हैं। ये देखो जो ज़्यादा सूखा है वो झड़ गया मेरे हाथ में। तो ये देख सकते हो आप, ये आगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे पीछे ताऊ और भैया इस पर बीज का छट्टा लगा रहे हैं, मटर का, मटर दाना। और मटर दाना जो गीले गीले में इसमें लगा दिया, इसके बाद इसको पानी नहीं देंगे। जब ये बाहर मतलब इसी गिल से मतलब नमी से बाहर आएगा दाना और छोटे छोटे इसके प्लांट्स निकल जाएंगे, तब पानी लगाया जाएगा इसको। तो ये देख सकते हो हमने ये बंद गोभी का जो पौधा है उखाड़ के कस्टमर का रख दिया है, पैसे दे गए हैं तो उनको अभी वेट कर रहे हैं उनकी, उसके बाद दे देंगे। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा पौधा है इसका, काफ़ी लंबा पौधा है, बड़ा हो चुका है, लगाने वाला हो चुका है सही से। ड्रम मंगवाए थे, ड्रम आ गए हैं 4 ड्रम थे। तो ये हमने अभी 2 बजे घर से आ गया था मैं खाना खा के। ये है ड्रम, तो इसमें क्या शैम्पू, इस सभी में शैम्पू था। ऐसे खोलते हैं, इसमें शैम्पू था, देखो ये शैम्पू है सारा इसमें। ये इसमें शैम्पू है,
ऐसे बड़े बड़े ड्रम में शैम्पू पैक होकर आता है, फिर छोटी पैकिंग होती है। ये एक इसमें गिरा हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर पैंटीन, तीन चार पैकेट गिरे हुए हैं इसमें। क्लिनिक प्लस भी है, क्लिनिक प्लस की पैकिंग भी होती है इसमें। देखो इसमें आता है पहले शैम्पू लिक्विड, फिर आगे छोटी पैकिंग होती है। अभी ये ड्रम धोने भी बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि इसमें जब पानी डालेंगे तो झाग ही झाग बनेगी, क्योंकि शैम्पू था इनमें, पता नहीं कौन से मतलब ड्रम में कौन सा शैम्पू था। तो तीन चार ब्रांड तो मैंने अभी निकाल भी दिए हैं उसमें से, जो छोटे छोटे पाउच होते हैं। तो अभी हमने ये उस पर रेट डाल दिया है, पाँच कैरे मैंने 2 बजे के बाद आके बीज दिए हैं। तो अभी 5 बज चुके हैं, सूर्य डूबने वाला है और अभी जल्दी दिन ढल जाता है, मतलब दिन छोटे है, अब रात बड़ी है। तो प्याज का बीज देख सकते हो कितना कितना बड़ा हो चुका। अब ये बंद गोभी और उससे आगे लग गए हैं मटर। तो ये रहा हमारे खेत का व्यू। तो अभी हमने पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है, 4 पाइप यहाँ पे रखे हैं, 2 उस साइड चल रहे हैं। अभी आ चुका हूँ घर, तो अभी मार्केट साइड जा रहा हूँ। तो हमारे साथ वाले जो घर है वहाँ पे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 3 बच्चे हैं। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने हुड वगैरह निकाल लिया है, अभी मार्केट जाके आया हूँ। और अभी मैं बना रहा हूँ जुप्पी मैगी, और आज मम्मी ने घर की आधी जो सफाई रहती है वो भी कर ली है, खिड़कियाँ दरवाजे भी धो दिए हैं। मैं तो पूरा दिन खेत में बिजी रहता हूँ, तो चलो अब बनाते हैं जुप्पी मैगी। मैंने खाना बना दिया, सब्जी बनाई है वैसे गोभी, तो आज मेरी मतलब रूह थी कि मैगी ही खानी है। तो जब मैं मार्केट गया था तो मम्मी को बोल दिया था कि टमाटर और प्याज काट देना, मम्मी ने काट दिए। तो अभी डालते हैं इसमें जीरा, मैं जीरा डालता हूँ। मेरे को कई बोल रहे थे कि आप मैगी में जीरा डालते हो, मेरे को जीरा पसंद है हर एक सब्जी या कुछ भी बनाऊँ मैं, गैस ज़्यादा है। तो ये डाल दिया हमने प्याज, इसके बाद डालते हैं हम टमाटर, कच्चा कच्चा रखेंगे प्याज और टमाटर भी, ताकि इनका रियल टेस्ट भी आता रहे। जब पक जाता ना पूरा प्याज का रियल टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये हमारी हो गई जुप्पी रेडी, सॉरी मैगी नहीं थी ये, जुप्पी थी, तो हम बोलते हैं इसको मैगी ही है। तो ये हमारी होगी जुप्पी रेडी, साथ में देखेंगे बिग बॉस, टका टक भी लेके आया हूँ मैं साथ में। मम्मी खा रहे हैं भुजिया, क्योंकि मैं 3 पैकेट लेके आया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात खाना वगैरह खा के बिग बॉस देख के मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि पूरा काम करके खेत में थक जाता हूँ। तो कल इनको पानी लगाया था, कितने शांत शांत लग रहा है, रेत बिल्कुल बैठ चुका है और अब सूरज की रोशनी भी बहुत कम हो चुकी है सर्दियों के कारण, नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो ये मज्जी चराई जा रही है देखो खुले में, साथ में बकरियां। ऐसे होती है असली मज्जों की सेवा, जो घर पे बांध के रखी होती है ना, उनका दूध और इनके दूध में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये चलते चलते घास चुगती हैं और तरह तरह का घास मिलता है उनको, एक तरह का मिलता है। तो एक बकरी और छेलू उधर से आ रहा है, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो पूरे खेत में ये 12-1 बजे तक, अभी 10 बजे हैं, ये पूरा खेत इन्होंने पूरा मतलब इसमें चराने हैं, ताकि इसकी जो पराली वगैरह वो खा लें सारी, मतलब एक तरह की सफाई भी हो जाएगी और इनका पेट भी भर जाएगा। तो अभी और इनके जो भी साथ वाले हैं सारी मज्जी लेके आएगी, तो इस वाले खेत में आ गए। गाँव वाले सारे इन पर ध्यान होगा, क्योंकि फसल वगैरह डर रहता है इनका खा लेना।
कितनी सारी हैं, 100 से भी ऊपर होंगी। ठक ठक। तो अभी जी आए थे 10 बजे, तो अभी 12:30 हो चुके हैं। तो ये जा रहे हैं, पूरा खेत इन्होंने खाली कर दिया खा खा के, आधे इधर हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर, आज पूरा दिन खेत में काम करके थक गया, और उसके बाद मैंने एक ड्रम धोया है, तो उस ड्रम में जैसे पानी डालता था बहुत ही ज़्यादा झाग बन जाती थी शैम्पू की, तो एक फाइनली मैंने धो दिया है। तो अब मैं बहुत थक चुका हूँ और पूरा दिन मैं बिज़ी रहता हूँ, ब्लॉग बहुत कम बना पाता हूँ, क्योंकि अभी मैं सुबह 8 बजे चल जाता हूँ, 6 बजे वापस आता हूँ घर को, मतलब लंच टाइम पे आता हूँ 1 और 2 बजे, तो बहुत कम ब्लॉग बना पा रहा हूँ। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट।